मध्य प्रदेश में भी यूपी की तरह ही मामा का बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला रायसेन के ग्राम इमलिया का है, जहां 5 गौवंश की हत्या के बाद जिला प्रशासन ने 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों के मकानों को 3 जेसीबी मशीनों की सहायता से जमींदोज कर दिया। रायसेन जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम इमलिया में 5 गायों की हत्या के बाद जिला प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें 3 आरोपियों के मकानों को 3 जेसीबी मशीनों से जमींदोज किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तत्काल प्रशासन मौके पर आधा घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गया था और उसी समय प्रशासन से मेरी लगातार 2 दिन से मैं संपर्क में था और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए थे कि दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़कर उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई लगातार 2 दिन से चल रही थी और 24 घंटे के अंदर ही मुलजमों 4 से 5 करीब मुलजमों को तत्काल रूप से पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आज मैं स्वयं घटनास्थल पर गया था और ग्रामीणजनों से भी ये चर्चा मैंने वहाँ पर की और प्रशासन को भी मैंने निर्देश दिए हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कोई भी दोषी बच न पाए। आपको बता दें कि विगत 26 अप्रैल को ग्राम सीवासनी में 5 गौवंश की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 7 आरोपियों को नामजद किया था, जिसमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया है। वहीं 3 आरोपी अभी फरार है। तीनों आरोपियों के परिजनों को नोटिस देने के बाद आज जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए 3 नामजद आरोपियों के मकानों को जमींदोज किया गया। वहीं इस मामले में 7 में से 3 आरोपी अभी फरार बताए गए हैं, जिसमें से 1 आरोपी सागर जिले के राहतगढ़ का है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज। रायसेन के सलवानी में रेप के आरोपी के कच्चे मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज करते हुए आरोपी के कब्जे से शासकीय जमीन को भी मुक्त करवाया है। ग्राम उषापुर में 15 दिन पूर्व 8 साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी राजा कुशवाहा पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। इसके बाद प्रशासन ने शनिवार को शासकीय जमीन पर बने आरोपी के कच्चे मकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। लगभग 15 दिन पहले उस ग्राम की एक नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी राजा कुशवाहा द्वारा दरिंदगी की गई थी और उसके विरुद्ध जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, उसी तारतम्य में जब उसकी संपत्ति के बारे में जानकारी ली गई तो पाया गया कि उसका मकान और एवं शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके वो और खेती वगैरह का काम कर रहे थे। तो आज प्रशासन में के द्वारा जाके उनका मकान और जो जमीन पे अतिक्रमण था उससे उसको बुलडोजर चला के और उसको मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय थाना प्रभारी सहित उनकी टीम मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज।